हम लोग काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो प्रांत है, हमारे जो एरिया है, हमारे जो रीजन है, इसमें शांति हो, हमारे यहाँ अमन हो, सब प्यार और भाईचारे से जीने का एक मौका मिले। हम लोग काफी कोशिश कर रहे थे। ये बोडो आंदोलन जो है, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म ने आज से 3 डिकेड्स पहले शुरू किया था। उनका सपना था कि एक सुनहरे बोडोलैंड बनाने के लिए, जहां अमन हो, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय अपना भाषा संस्कृति को लेके एक साथ जीने का एक सपना था। और ये सपना को साकार करने में आपने जो किया है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिखा रहेगा। सर, आपने जो काम किया है, ये मानवता के सबसे ऊपर, सबसे उसी स्तर पे आपने काम किया है, क्योंकि ये जो मिलिटेंट के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे भाइयों भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में और जंगल में रह के काफ़ी सालों से लड़ रहे थे, इनके जो माँ है, इनको जो बहन है, ये बेसब्री से, बेसैनी से इंतजार कर रहे थे अपने बेटा, अपने भाई कब आएंगे। ये समझौता करके, ये BTR बना के आपने एक माँ को बेटा दिलाने का काम किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े बात है सर। तो इसीलिए आने वाले समय में आपने जो नेतृत्व भारत को दिया है, ये सारा भारत के लिए एक इतिहास बन जाएगा। मैं आपके थ्रू हमारे पूर्वोत्तर में जितना भी उग्रवादी संस्था है, मैं अनुरोध करता हूँ, हम पूर्वोत्तर में रहते हैं, ये जो वायलेंस है, ये जो किलिंग्स है, ये बंद करना चाहिए। और आपके नेतृत्व को विश्वास करके हमने जो इतना बड़ा काम किया है, हम लोग को जो मिला है, उन लोग को भी विश्वास करके आगे आना चाहिए। मैं इनको विनती करता हूँ सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको विनती करते हैं, ये समझौता में आपने बहुत कुछ हम लोग को दिया है। आपका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, ये हम लोग का दिल जीत लिया है सर, और हम भी चाहते हैं हम भी इसका हिस्सा बने। तो इसीलिए इस एकॉर्ड में आपने जिसने भी हम लोग को दिया है, इसका आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होंगे, ये हमसे उम्मीद, हम आपसे उम्मीद रखते हैं सर। सर, ये एकॉर्ड में आपने सिर्फ बोडो लोगों के लिए नहीं किए हैं सर, हमारे साथ रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए, गुरखा भाइयों के लिए, असमीज भाइयों के लिए, जितने भी समुदाय यहाँ रहते हैं, सभी को इस एकॉर्ड में कुछ ना कुछ आपने दिया है। सबसे बड़ा बात है हमारे लिए शांति सर। हम लोग, मेरा उम्र अभी 40 साल हो गया है, हम बचपन से वायलेंस से ही लड़ रहे थे सर। इतना वायलेंस हुआ हमारे क्षेत्रों में, हमारे इलाका में, हमारे रीजन में, हमारे बच्चे इसको झेलना पड़ रहा था सर। तो ये जो एकॉर्ड है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एकॉर्ड है सर। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा आपकी लंबी उम्र के लिए, और आने वाले समय में भारत में जितने भी समस्या है, आपके नेतृत्व में ही इसका जो समाधान होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। सन्मान्य राइज, अपना लोग सकोए गम पासे, बहुते कैसे भिक्ट्री रैली, आमी कैसो भिक्ट्री रैली नो, यू आमार सकलो आनंदर एट रैली एंड थैंक्स गिविंग रैली। बहुत ने बोला ये भिक्ट्री रैली, मैंने बोला ये भिक्ट्री रैली नहीं है, ये हमें प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का रैली है, जो इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए धन्यवाद देना हम लोग का जिम्मेवारी है सर, ये धन्यवाद देने का रैली है। तो मैं अपना लोगों यूटे कैसो जे इत कय कारण ना, सको जाति जनगोषी एक मिली पे थकबा एट एकॉर्ड से चुक्ति से, सीकारे अपना जहाँ इतना क बड़ो जातिर प्रति कोनो बेया भाव नाराखे, मैं अपना लोगों समय अनुरोध करिछो।